Good morning, guys. KPS ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गाइस, और कुछ ऐसा रूम था मेरा, मैंने यहाँ पे एक नाइट स्टे किया क्योंकि रात को रूम नहीं मिल रहा था, मुझे बहुत लेट हो गया था, अंधेरा भी हो गया था। पर पता नहीं एक आंटी मिले, उन आंटी ने मुझे हेल्प किया और फिर उन्होंने अपने घर के उन पर अंदर ही एक रूम था ये जो मुझे दिया कि आप यहाँ पे रह सकते हो। अभी रात कल तो हम सेवन सीटर गए थे, कुछ भी देख नहीं पाए। पकाव फॉल्स भी गए, कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना फॉग था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और आज हम जा रहे हैं सेवन सीटर, फिर जाएंगे और जाएंगे डबल डेकर ब्रिज। और कुछ मैं रात को रुका था, कुछ ऐसा रूम था, एक आंटी ने हेल्प किए मुझे रूम दिया, तो देख सकते हैं नॉर्मली था, होम स्टे है इसलिए ऐसा ही है। तो मैं पहुंच चुका हूँ वापस सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो आपके सामने है। ये वाटरफॉल अपने ही खूबसूरती के अंदर कुछ अलग ही नज़ारा है इसका। यहाँ पे देखने के लिए सेवन सीटर वाटरफॉल इसलिए नाम है कि यहाँ पे 7 झरने एक साथ में बहते हैं। तो भाई सच्ची में कल तो इतना फॉग था यहाँ पर, कुछ भी नहीं देख पाया, और आज है ना इतना खुशी हो रहा है। सुबह उठते ही फटाफट फ्रेश होके, मतलब मुंह धोके जल्दी आ गया यहाँ पर। और ये है सेवन सीटर वाटरफॉल, वहाँ ऊपर से गिरता है झरना, वहाँ से लेके नीचे तक। सच्ची में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से। अभी भी फॉग है यहाँ पर, नीचे अभी फॉग है, ऊपर अभी फॉग नहीं है, नीचे अभी भी फॉग है, थोड़ा क्लीन नहीं दिख रहा है। वेट करेंगे, अगर क्लीन दिखेगा तो और भी शूट करेंगे यहाँ से। तो कल तो इधर इतना फॉग था कुछ भी देख नहीं पाया, पर आज है ना देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। सच्ची में सूरज भगवान निकल गए बाहर, और सुबह के अभी मतलब कितना बजे, 7:30 बज गए, और अभी भी फॉग है भाई, अभी भी फॉग है यहाँ पर। यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी फॉग नहीं है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, सिटी में कहीं भी नहीं है, बस है तो नीचे खाई के अंदर। तो यहाँ से अब जल्दी निकलेंगे क्योंकि हमको वापस डबल डेकर ब्रिज भी जाना है। आप देख सकते हैं ये 7 झरने हैं ना एक साथ में बहते हैं, 7 झरने यहाँ से मुझे क्लीन तो नहीं दिख रहे, पर बोलते हैं लोग कि 7 झरने एक साथ में बह रहे हैं। भाई कितना ऊपर से झरना गिर रहा है, तो देख लो भाई लोग कुछ सेवन सीटर वाटरफॉल का इस तरह का नज़ारा है। भाई सच्ची में क्या खूबसूरत जगह है यार, ये वाटरफॉल सबसे बड़ा वाटरफॉल है। कितनी गहरी खाई है यहाँ पर, अगर यहाँ से आदमी गिरा ना तो समझो गया। अभी भी फॉग है, देखो फॉग के अंदर सूरज कितना साथ कितना दिख रहा है, एकदम वाइट दिख रहा है, इतना फॉग, इतना ब्राइट फॉग है इधर। आपको मैं वाटरफॉल बहुत पास से दिखाता हूँ भाई, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है यार, मुझे तो मेरी आंखों से तो इतना सुंदर दिख रहा है, मतलब कि मैं जन्नत में आ गया हूँ, ऐसा नज़ारा मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। तो फॉग ज्यादा बड़े इससे पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं, अगर क्योंकि हमें जाना है डबल डेकर ब्रिज। और एक बात और, अगर यहाँ पर सेवन सीटर वाटरफॉल है और इसके जस्ट रोड के इस तरफ एक नदी है जो बहुत ज्यादा बह रही है, इतना फुल पानी चल रहा है, जहाँ पर मैंने आपको कल उसका शूट दिखाए थे। तो अभी हम निकल रहे सीधा डबल डेकर ब्रिज के लिए, ठीक है। और उस तरफ नदी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, स्कूटी वहाँ खड़ी है, बेचारी को बहुत धड़ाया मैंने। और इधर है ये नदी जो अपने आप में बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है भाई, ऐसी जगह है ना दिल को भा जाते हैं, मतलब दिल आ जाता है ऐसी जगह पे, मतलब दिखने में इतनी सुंदर लगती है। अगर इतना क्लीन जब यहाँ पे दिख रहा है ना, उतना क्लीन अगर वहाँ सेवन सीटर वाटरफॉल में दिखता है ना तो सच में मजा आ जाता, पर क्या करें फॉग का टाइम है, फॉग तो हो गई। दिख रहा है सेवन सीटर वाटरफॉल का नजारा कुछ इस तरह का होता है, 7 झरने एक साथ में बहते हैं। तो इस जगह को कहा जाता है दुनिया की बेस्टेस्ट प्लेस, और इस बेस्टेस्ट सीजन में हम इस बेस्टेस्ट टाइम पे इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मेरी ये स्कूटी, और देख लीजिए भाई फॉग आ गया, देखो फॉग देखिए बढ़ रहा है, फॉग बढ़ता है, इसके पहले हम निकल जाते हैं। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need. भाई लोग सच्ची में मैं बता नहीं सकता मैं किस जगह पे हूँ, इधर भी कोई नहीं है, इस तरफ भी कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेला रुका हूँ। सच्ची में सामने है ना बहुत सुंदर व्यू है, इतना अच्छा है, मतलब पहाड़ से जो गिरने वाला झरना है ना वो इतना मस्त दिख रहा है, इसलिए मैं रुक गया इधर। और एक्टिवा एक जगह बीच में बंद पड़ गई थी, टिक मारने से स्टार्ट हो गई, तो जब बंद पड़ गई तो सच्ची में डर गया था यार मैं, कि यहाँ पर अगर बंद पड़ गई तो मैं क्या करूँगा। सामने का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है भाई, भाई चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल है भाई, देखो कितना पानी गिर रहा है इधर, और कितनी सुंदर जगह है भाई, पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, उसको भी पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। ऐसे दिखने में सुंदर भी दिख रहा है और डर भी बहुत लग रहा है, और जो घूम है ना मेरी एक्टिवा एकदम 10 की स्पीड पे चल रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। भाई जगह जगह से पानी बह रहा है, एशिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर मेघालय के अंदर चेरापुंजी में, भाई सच्ची में बहुत ही सुंदर जगह है, एकदम स्लो एक्टिवा चल रही है, रिस्क तो बहुत है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुना है, पूरा जंगल है, आप सुन सकते हैं जानवरों की भी आवाज आ रही है यहाँ पर। भाई सच्ची में रोड एकदम चिकना रोड है, मतलब इतना सुंदर रोड है, रिंग रोड ब्रिज डबल डेकर 1 किलोमीटर। तो देखेंगे नीचे कितना एडवेंचर रहता है हमारे ये रूट।
तो हेलो गाइस, अभी हम ये डबल डेकर ब्रिज नीचे उतर रहे हैं और ये हमने गाइड हेयर कर लिया। इन भैया का नाम है बीडिंग नाम है इन भैया का नाम। और यहाँ से हमें कम से कम 3 किलोमीटर नीचे ट्रैक करना है। जो देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ है, नीचे कुछ सीधा रास्ता भी रहेगा, सीढ़ी भी रहेगी और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। ये गाइड वाले भैया बोल रहे हैं कि कम से कम 4 घंटे लगेंगे जाने में और आने में, 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में, और थोड़ा अगर टाइम लगेगा तो वहाँ फोटोग्राफी करने में। जाने में 1.5 घंटा है ना, आने में जास्ती टाइम लगता है। जाने में 1.5 घंटा लगेगा और आने में है ना 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, इसलिए आपको 2 घंटे लगेंगे। ये देख लीजिए कितना सारा सीढ़ी है इधर। तो मैं आया था 15 तारीख को मेघालय घूमने के लिए। तो मैं फर्स्ट आया शिलोंग से, फिर मैंने वकावा फॉल से सेवन सिस्टर के बाद ये आया यहाँ पर डबल डेकर ब्रिज पे। तो देखेंगे नीचे कितना एडवेंचर रहता है हमारे ये रूट। डबल डेकर देखने के लिए मैं घर से ही सोच के आया था कि डबल डेकर मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ चिरापुंजी में सबसे ज्यादा बारिश होता है यहाँ पर। व्हाट इज योर प्लेस भाई, सच में कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। और भैया बता रहे थे नीचे एक गांव भी है जो सामने आपको दिख रहा होगा, लॉन्ग वियर, वहां तक जाना है हमें। डबल डेकर ब्रिज वही है ना, डबल डेकर ब्रिज ये गांव में जाने के लिए यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इधर से ही जाना पड़ता है इन लोगों को। और यहाँ से ही खाने पीने का कुछ भी घर का सामान है तो यहाँ से लेके जाना है। वो गांव जाने के लिए कोई रोड कुछ भी नहीं है। उसके वो जस्ट गांव के ऊपर भी एक वाटरफॉल है, बहुत सुंदर प्यारा वाला वाटरफॉल है। तो भैया इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमारा बैग भी ले लिया, कि भैया हमें बैग दे दो, आपका आपको वेट पड़ रहा है। सच में यार ऐसे इंसान होने चाहिए, नहीं तो ट्रैकिंग के नाम पे ना लूट लेते हैं यहाँ पर। गर्मी भी लगना स्टार्ट हो गए। भाई सच में बहुत सुंदर जगह है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। बस जब चढ़ना होगा ना तब नानी याद आने वाली है। मेरे आगे भी दो एक पूरा ग्रुप है, वो आगे जा रहा है और मैं अकेला हूँ। भाई सच में मेरा पांव देखो कैसा वाइब्रेशन कर रहा है। भाई लोग फुल एडवेंचर है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी जगह भी आऊँगा, कभी नहीं सोचा मैं ऐसी जगह आऊँगा। भाई सच में बोल रहा हूँ फुल एडवेंचर है, इतना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। देखिए हमारे गाइड भैया पूरा फुल एक्शन में चल रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है। और ये सीढ़ी उतर के आया मैं, सच्ची में बहुत ही खतरनाक नज़ारा है यहाँ से। और मैंने अभी तक एक बार भी अपना होल्ड नहीं किया, एक बार भी बैठा नहीं हूँ, नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। और बस अब सिंगल डेकर पर हम पहुँचने वाले हैं, डबल डेकर के बाद में जाएंगे। और ये देखिए चिपली भाई, सच्ची में कितना अच्छा वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पर, कितना पानी है, चारों तरफ पानी है। आप सुन सकते हैं वाटरफॉल की आवाज़ कितनी प्यारी और सुंदर आ रही है यहाँ पर, और देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से। वाओ यार सो एडवेंचर, हाँ सुंदर होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में। वाह इधर से गिरा ना, इधर से गिरा तो वो वहां जाके गिरेगा आदमी। Me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get it. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. I love it. I'm so happy here. Bro, honestly, it's paradise. Bro, guys, this root bridge is only made from roots. Only from the roots, from the roots. बाकी किसी से बना हुआ है ना, कोई स्टील ना कोई तरह का तार, कुछ भी नहीं। ये पूरा रूट ब्रिज है ना, अपनी खुद की सुंदरता में एक अलग तरह का ही मिसाल है। सच में भाई यहाँ आने का एक सपना था और मेरा पूरा हो गया। भाई सच में पाँव है ना वाइब्रेशन हो रहा है मेरे, ऐसे ऐसे पाँव हो रहे हैं मेरे वाइब्रेशन। Wow, yeah, wow. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. भाई लोग आप सोच नहीं सकते मैं कहाँ खड़ा हूँ। Single decker, root bridge. Lala. जहाँ तू है, वहाँ मैं हूँ मेरे। सचिन भाई डर लग रहा है।
भाई लोग, मेरा यहाँ आने का एक मेन रीजन ये था कि मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जो अपना जयपुर का भाई है, उसका नाम है, उनका नाम तो मालूम नहीं है पर उनका चैनल का नाम है ट्रेवलिंग मॉर्निंग। वो भाई यहाँ आए थे गर्मियों के दिन में आए थे शायद, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रैक किया था, अकेले ही थे, सिंगल थे, ना कोई गाइड था ना उनके साथ में कोई बंदा था। तो उनका वीडियो देख के मैं यहाँ पर आया हूँ कि डबल डे का जाना था, जाना भाई। मंकी मैजिक के जो भैया है उनका वीडियो देखा, वो अभी जस्ट आके गए हैं महीने भर पहले यहाँ पर, तो मैंने उनका वीडियो भी देखा। तो फिर मेरे भाई अब तो जाना ही है, मतलब वो वीडियो के अंदर मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे सच्ची में यहाँ आके जो रियल में जो एक्सपीरियंस हुआ ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो भाई लोग सच्ची बोल रहा हूँ, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जरूर आए यहाँ पर, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, पर अगर आप बारिश के मौसम में विजिट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि ये जगह दुनिया की सबसे मोस्ट वेटेस्ट प्लेस है। मुझे एक पता नहीं चला, यहाँ पर एक ही आवाज है, टू करके जानवर बोलता है, वो सच्ची में पूरा पहाड़ में उसका ही आवाज आ रहा है। और मैं यहाँ आने के लिए कल कितना परेशान हुआ आप सोच नहीं सकते। कल रात को मुझे रूम तक नहीं मिल रहा था, तो भी बावजूद एक दीदी मिले, उन्होंने हेल्प की मुझे, एक भैया मिले उसने भी हेल्प किया, उन्होंने खुद का घर का एक रूम दिया मुझे रहने के लिए, दावा दिया। फिर सच्ची में यार मैं क्या सोया हूँ। सुबह डायरेक्टली मैं 6 o'clock को उठा, 6 o'clock को उठ के सीधा 7 seater वाटरफॉल में भागा उधर से, और वहाँ 7 seater वाटरफॉल थोड़ा सा दिखा, क्योंकि सुबह भी उधर ज्यादा वेदर था इसलिए देख नहीं पाया। फिर मैंने यहाँ सीधा यहाँ आया, ज्यादा ये पेड़ ज्यादा है, सुपारी का पेड़। तो अभी हमने सिंगल रूट ब्रिज देख लिया है, और भाई मैं अभी इस ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ, कि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और सेकेंड वीडियो के अंदर आप देखेंगे डबल डेकर रूट ब्रिज। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले प्लीज़।